हेलो बच्चों, मैं दीपा वर्मा अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ए लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों, हम अपने फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे, जिसमें आपने तीन वीडियो में क्या है इसका एक पूरा समरी देखा, 3 मार्क्स से क्वेश्चन देखे, 5 मार्क्स से क्वेश्चन। अब बस एक हमारे क्या बताया था, आंकी प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न, जो क्या है जनरली आपके फिजिक्स के ही से आते हैं। तो जल्दी जल्दी क्या है, हम इन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं इसके एक फॉर्मूले के साथ इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आ जाओ भाई। पहला क्या है, निम्न तापमानों को अन्य पैमाने में परिवर्तित कीजिए, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को किसमें सेल्सियस में चेंज करना है। देखो बच्चों, जो मैं इसको समझा रही थी 3 मार्क्स से क्वेश्चन में, तो उसका आंसर -10 डिग्री था, वहां पे 10 डिग्री लिखा था, ठीक है। तो उसको आपने याद कर लेना कि भाई ये -10 डिग्री था, ठीक है। चलो फॉर्मूला देखो भाई क्या होता है, C/100 F-32/180, ठीक है। तो यहाँ पे F का मान कितना दिया है भाई, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। तो मान रखो C (5×10)/9×18, ठीक। C इज इक्वल टू 32×14 गए 18 -18, ठीक। अब ये 5 गया उधर, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, C=9×18 - 2×5, तो C = क्या आया, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, फ़ारेनहाइट को हमने किस में चेंज किया, सेल्सियस में, ठीक। अगला प्रश्न, -30 डिग्री को फ़ारेनहाइट में, ठीक। तो C का मान कितना है, -30 डिग्री, ठीक। फॉर्मूला क्या है, C/100 F-32 180, ठीक। C का मान रखो -30 डिग्री, ठीक, 100 F-32 180, ये कटा ये कटा 5 ये 9, ठीक। तो 30/5 F-32/9, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 5 एकम 5, 5×6=30, ठीक। तो क्या हुआ, 6 F-32/9, ठीक। तो 6×9 F-32, 6×9=54 F-32, और यहाँ पे क्या है, -30 था ना, इसको याद रखना, -6 -6 -54, ठीक। -54 32 इधर आया, प्लस हो गया F, तो 4×2=2, 5×3=2, और 54 का माइनस फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट का कितना आया भाई, -22 डिग्री, ठीक। ये आया तो किसमें, -30 डिग्री सेंटीग्रेड किसमें, कितना आता है भाई, -22 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। आगे चलो, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्लेट में प्रकाश प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब क्या, अपवर्तनांक कितना दिया है हमें, एयर टू ग्लास कितना है, 1.5, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3×10^8, ठीक है। तो अपवर्तनांक एयर टू ग्लास क्या होगा भाई, प्रकाश की चाल निर्वात में / प्रकाश की चाल कांच में, इसको क्या माने हम लोग, x, ठीक। तो ये कितना दिया है हमें भाई, 1.5। प्रकाश की चाल क्या होती है, 3×10^8, इसको क्या माना है हमने, x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3×10^8 / क्या आ गया, 1.5। ये क्या होता है, काटने पे 2 आता है, ठीक। अतः x बराबर क्या हो गया, 2×10^8। मतलब क्या है, प्रकाश की चाल क्या होती है कांच में, 2×10^8 m/s, ठीक। ऐसा आपको सॉल्व करना है, ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं होगा। इतना ही सॉल्व करके आपको आंसर क्या लिखना है, प्रकाश की चाल कांच में कितनी होगी, 2×10^8 m/s। m/s आपको लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे तो 1-2 नंबर कटेंगे, ठीक। चलो आगे आ जाओ, एक मछली तालाब की सतह 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए, ठीक है। तो अपवर्तनांक का एक सूत्र और क्या होता है बच्चों, वास्तविक गहराई / आभासी गहराई,
बच्चों मैं दिया है वगैरह सब नहीं लिखा रही, आपको उतना पता है, आपने पूरी प्रैक्टिस की है, ठीक है। मैं बस आपको क्या है क्वेश्चन सॉल्व करके रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है। वास्तविक गहराई कितनी है भाई, हमें निकालनी है, माना x है। आभासी कितना है 75, सो x बराबर क्या हो जाएगा 4 × 75/3, 3 × 1 = 3, 3 × 25 होता है 75, 25 × 100 100 सेंटीमीटर। तो अतः मछली की वास्तविक गहराई की, मछली कितने वास्तविक गहराई पे है 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखेंगे, सतह से मछली की सतह से वास्तविक गहराई क्या है 100 सेंटीमीटर होगी, ये लिखना है, ठीक। आगे आ जाओ, 10 सेंटीमीटर फोकस वाले गोलीय अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है। मतलब क्या है भाई, डायग्राम बनाओ, कौन सा अवतल है, अवतल दर्पण, ठीक, डायग्राम बनाओ, फोकस सेंटर क्या दिया, फोकस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, वस्तु कहाँ पे है 15 सेंटीमीटर, मतलब सी और एफ के बीच में है, ठीक, पैरेलल जा रही है, फोकस से निकलेगी, फोकस से गई इधर निकली, तो ये क्या है कहीं यहाँ पे बनेगा, ठीक, ये हो गया, ठीक है। तो क्या है भैया फोकस दूरी क्या, एफ बराबर -10 सेंटीमीटर, -10 क्यों होगा भाई, क्योंकि ये अवतल दर्पण का फोकस माइनस में होता है। वस्तु की दूरी -10, क्योंकि वस्तु क्या है दर्पण से इस ओर है, आपने चिन्ह परिपाटियों में पढ़ा होगा, ठीक है। दर्पण सूत्र 1/F = 1/V + 1/U, ठीक, मान रखो 1/10 1/V + 1/15, क्योंकि क्या है ये हमारा 15, ठीक, इसको इधर ट्रांसफर ले कर दो, 1/10 1/15 1/V, ठीक। एलसीएम ले लो, 30 आया, -3, 15 × 30, -1/3 = 1/V, तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आएगा -3 30 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ भैया इसका, कहाँ पे आएगा ये -30 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक। अब क्या बचा आपका आवर्धन, m बराबर क्या होता है -V/U, -30 - 15 कटा -2, m क्या आया -2, मतलब क्या है प्रतिबिंब क्या है वस्तु से 2 गुना बड़ा है, माइनस बता रहा है क्या है कि वो उल्टा है, तो क्या होगा प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा व उल्टा है, और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। इतना बता के आपको पूरा आंसर कंक्लूड करना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम भी बना के बताना है और साथ में क्या करना है आपको ये आंसर लिखना है, ठीक। आगे आ जाओ बच्चों, 50 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस और अवतल फोकस दूरी वाले अवतल लेंस और उत्तल लेंस की क्षमता, तो भाई क्षमता क्या होती है लेंस की, क्षमता वन अपॉन फोकस दूरी, ठीक, और अवतल लेंस में आ जाओ, अवतल लेंस का फोकस क्या होता है दूरी माइनस में होता है, मतलब क्या होगा -50 सेंटीमीटर, ठीक। तो P बराबर 1/F, मतलब क्या होगा 1/-50 सेंटीमीटर, ठीक, -50 हुआ, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं मीटर में लिखते हैं, इसलिए क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक, मतलब 1/0.5, तो ये क्या होगा 2 डायोप्टर, ठीक, और माइनस है तो क्या हो जाएगा P = -2D, ठीक। तो अवतल लेंस के लिए क्या होगा -2D होगा, तो वहीं उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा भाई -2D, तो अवतल का क्या होता है माइनस होता है और उत्तल का क्या होता है प्लस होता है, ठीक। अवतल लेंस का
फोकस दूरी माइनस होता है इसलिए इसका पावर क्या होगा माइनस में आएगा, उत्तल लेंस का फोकस प्लस में होता है इसलिए उसका पावर क्या होगा प्लस में आएगा। ठीक, ये इस तरीके से आपको पूरे लिख के बताना है। ठीक है, मैंने इसको जल्दी जल्दी बताया है क्या, क्योंकि आपको जल्दी से इसको रिवाइज करना है। ठीक, आगे आ जाओ। किसी विद्युत बल के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रभावित होती है, उस परिपथ में प्रभावित विद्युत आवेश को बताइए। ठीक, तो धारा बराबर क्या होता है भाई, आवेश बट्टा समय। ठीक, मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। ये किस में होता है, कूलाम में, ये किस में होता है, सेकंड में। ठीक, धारा कितनी दी है भाई 0.5, क्यू आपको निकालना है, 20 मिनट है मतलब उसको क्या है आपको सेकंड में चेंज करना है। ठीक, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 20 गुणित 60, 5/10 20 गुणित 60, 0 कटा 5 गुणित 10 60 600, तो क्या आंसर आएगा 600 कूलाम। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चित्र में R1 R2, तो पहले यहाँ पे चित्र देख लेते हैं भाई, चित्र क्या है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी दिया होगा R1 R2 R3 R4 R5। ठीक, तो इसमें क्या है, R सभी के मान दिए हैं आपको, परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है और धारा निकालना है। ठीक है, आपको विभव दिया हुआ है। ठीक, तो पहले देखो ये R1 R2 किस में है, पैरेलल में है, R1 व R2 समांतर में, इसलिए मतलब क्या होगा, R टोटल क्या होगा 1/R1 + 1/R2। ठीक, मतलब R1 की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू 40, दोनों का एलसीएम क्या आएगा भाई 40, ये 4 × 1, तो R टोटल कितना हो जाएगा भाई हमारा, क्या आया था 5/40। ठीक, सो R टोटल क्या हो गया हमारा 40/5, मतलब क्या आ जाएगा 8 ओम। ठीक, अब देखो ये तीनों भी क्या है हमारे समांतर में, मतलब क्या हो जाएगा भाई ये 30, 20, 60। ठीक, सेकेंड R टोटल क्या होगा 1/R3 1/R4 1/R5, तो क्या हो जाएगा भाई 30, 20, 60, ठीक, एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 30 × 20 = 60, 6/60। ठीक, R टोटल 2, तो 1/R टोटल 2 क्या हो गया भैया 6/60, सो R टोटल क्या हो जाएगा 60/6, मतलब क्या आया 10 ओम। अब देखो ये क्या है, 1 हो गया, ये 8 ओम, अब इधर आके क्या हो गया, ये हो गया 10 ओम। ठीक, लेकिन ये जुड़े तो एक ही जगह से है, यहाँ पर आपका सेल है, तो अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये सेल हो गया, ये 8 ओम और ये 10 ओम। अब क्या होगा, ये दोनों सीरीज में होंगे, सीरीज में होते हैं तो क्या होता है डायरेक्ट हम इसको प्लस कर देते हैं, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा 8 ओम + 10 ओम, तो कितना आया भैया हमारा 18 ओम। ठीक, तो प्रतिरोध श्रेणी का क्या हुआ भाई, कुल प्रतिरोध कितना आया 18 ओम। ठीक, उसके बाद क्या है आपको धारा निकालनी है, तो धारा बराबर क्या होता है विभव बट्टे प्रतिरोध, तो क्या होगा भाई विभव कितना है हमारा, क्वेश्चन में कितना दिया है 12 और विभव प्रतिरोध कितना है 18, तो ये क्या हो जाएगा 0.67 एम्पियर।
ठीक। तो इस तरह से क्या है, पूरे आपको आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो इतना अभी तक हमने क्या है, सभी चैप्टर से एक एक न्यूमेरिकल देख लिया, समझ गया कि फॉर्मूले कैसे लगाने हैं और कैसे उसको यूज करना है, ठीक है। इतनी चीजें पढ़ोगे आराम से पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आपका पूरा फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, इट मीन्स आपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए और न्यूमेरिकल भी देख लिए, और क्या है एक वीडियो में हमने पूरे क्या है इसका समरी भी देख लिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपके फिजिक्स से कोई भी चीज़ें बच गई हैं, कुछ भी चीज़ें बची है तो आप तुरंत कॉल करके या नीचे हमको कमेंट करके पूछ लो, लेकिन पेपर बहुत अच्छे से देना बच्चों, बिल्कुल नहीं डरना है। आपने तैयारी बहुत अच्छी की है और 100% दिया है, 100% दिया है तो आपके 100% मार्क्स आएंगे, 75 में से 75 नहीं तो 70 तो आएंगे ही। अगर चीज़ों को हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करो, टॉपिक वाइज करते चलो, कहीं आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, 13 तारीख को बहुत अच्छे से पेपर देके आना, बिल्कुल नहीं डरना है, अच्छे से सुबह उठना, हर चीज़ को रिवाइज कर लेना। रिवाइज क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले को देखना, टॉपिक्स को देखना। 5 मार्क्स 6 मार्क्स में जैसे डायनेमो हो गया, विद्युत मोटर हो गया, ठीक है, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन जिस चैप्टर से आने हैं उसको देखना, एक एक बार बस डायग्राम्स देखना और चले जाना। अगले 13 तारीख को सुबह को कुछ नहीं पढ़ना, 12 तारीख की रात की 10 बजे तक जो भी पढ़ लो पढ़ लो, 13 तारीख को मस्त होके जाना है बिंदास और अच्छे से पेपर देके आना है। पेपर देके आओ, उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान की तैयारी शुरू करेंगे, ठीक। 17 तारीख मिशन मार्च अभी हमारा बाकी है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर के टाइम, अभी आप क्या है साइंस पेपर बहुत अच्छे से देके आओगे। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपके 75 में से 70 मार्क्स आएंगे ही, ठीक। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चों, आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दो।